देखिएगा, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे और क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अब हम ए पार्टिकल ऑफ मास एंड इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ एन एलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ स्मॉल ए। नेचुरल लेंथ स्मॉल ए है, उसके धागे से जो है एक पार्टिकल जो है बांध करके लटकाया गया है। नेचुरल लेंथ स्मॉल ए है एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2mg और प्रत्यास्थता गुणांक 2mg है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए वो mg में 200 गुणा कर रहा है। तो जब आप पार्टिकल को लटकाएंगे तो लंबाई में वृद्धि जो होगी वो 200 भाग करके प्राप्त होगी नेचुरल लेंथ को, यानी कि जो आपकी लंबाई में वृद्धि आएगी वो a/2 आएगी। लेकिन अभी हम तो कैलकुलेट करेंगे तो मैं मुझे वन खैर बता देता हूँ। और जैसे लंबाई में वृद्धि a/2 आएगी और जब सबसे आखिर में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आएगी तो d2x/dt² = का जी होगा, उसमें एक्स होगा और बटे में a/2 होगा। क्योंकि ये भी मैं फिक्स कर चुका हूँ कि माइनस का जी आता है, एक्स आता है और अपॉन में लंबाई में वृद्धि आती है। फिर वो आप कहता है एंड हूज अथॉरिटी फिक्स दैट ओ, एक सिरा जो है वो ओ पर फिक्स है। द पार्टिकल इज लेट फॉल फ्रॉम ए, पार्टिकल को ए से गिरने दिया जाता है। वेन ए इज वर्टिकली अबव ओ, लेकिन ए बिंदु जो है वो ओ के ऊपर होना चाहिए। एंड ओ इज इक्वल टू स्मॉल ए, और ओ ए जो है वो स्मॉल ए के बराबर है। शो दैट इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो एट बी, तो प्रदर्शित कीजिएगा कि इसकी वेलोसिटी है बिंदु बी पर आकर के जीरो हो जाएगी। वेयर ओ बी इज इक्वल टू 3a, जहाँ ओ बी बराबर होगा 3a के। कैलकुलेट ऑल्सो टाइम फ्रॉम ए टू बी, अब ए से बी तक का टाइम और ज्ञात कीजिए। आंसर में जो अंडर रूट लगा हुआ है ये अंडर रूट पूरे पर नहीं है, ये सिर्फ a अपॉन 2g पर अंडर रूट है, बाकी जो पूरा पद है वो अंडर रूट से बाहर आएगा। अब ये देख लीजिएगा, ये ले लेते हैं, ओके सॉरी, ए तो ऊपर डालना है, बी भी नीचे डालना है, ये सी मान लेता हूं मैं। ये मेरा धागा है जिसकी नेचुरल लंबाई जो है वो स्मॉल ए है, ओ सी मेरा धागा है। अब इसमें पार्टिकल बांध देता हूं, यानी कि अब ऐसे लिख देता हूं मैं लेट ओ सी स्ट्रिंग ए इज एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ स्मॉल ए विच इज फिक्स्ड एट ए, जो बिंदु ओ पर जो है वो फिक्स है। अब पार्टिकल मान देता हूँ, ओ जाता है सी आ जाता है, ये मान लीजिएगा पॉइंट डी हो जाता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ टेंशन टी हो जाती है, यहाँ लंबाई में वृद्धि हो जाती है स्मॉल डी। पहले पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज अटैच्ड एट लोअर एंड देन लेट स्टैटिकल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज सीडी इक्वल टू स्मॉल बी। आ जाइएगा इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम mg इक्वल टू t नॉट हो जाएगा, लैम्डा लंबाई में वृद्धि स्मॉल b हो जाएगी अपॉन ओरिजिनल a हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 2mg के है तो 2mg कट जाएगा, b इज इक्वल टू a/2 आएगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में इसी वीडियो में मुझे पहले ही बता दिया था। ये मैं पार्टिकल को बांध देता हूँ, अब वो क्या करता है पार्टिकल को ए बिंदु से छोड़ता है, कहाँ से छोड़ता है ए बिंदु से, लेकिन ए बिंदु जो है वो ओ के ऊपर है और स्मॉल ए दूरी पर है। अब तीसरे डायग्राम में ऐसा आ जाते हैं, ओ है सी है ये डी है, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट डालूंगा मैं बी, और यहाँ ओ के ऊपर एक बिंदु और है ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। अब यहाँ पर बी इक्वल टू a/2 आ चुका है आपका, ये आपका a/2 आ जाता है और बी डी है, और अब मैं जो है सी डी तक मैं आ चुका हूँ,
बी मेरे लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और पार्टिकल मैं मान के चलूंगा कि वो बी तक जाएगा, और पार्टिकल कैलकुलेशन यहाँ करेंगे बिंदु पी का, ये एम जी हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं सी मान लेता हूँ। अब देखिएगा, अब पार्टिकल को कहाँ से छोड़ा गया है, ए से छोड़ा गया है, तो जब तक धागा टाइट नहीं हो जाएगा तब तक मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, टाइम भी निकालना है, ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से ये पांचवा भी ए था छठा भी ए था। अब देख लीजिएगा यहाँ से, अब ये लिखते हैं द पार्टिकल इज हेड एट ए एंड रिलीज्ड। पार्टिकल को बिंदु ए पर पकड़ा जाता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी विल बी अंडर ग्रेविटी ओनली। तो ए से सी तक जो पार्टिकल की गति होगी वो अंडर ग्रेविटी ओनली होगी, जिसके लिए आप गति की समीकरण निकाल सकते हैं। एक तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, बल्कि ऐसे कह देता हूं लेट बी सी इज वेलोसिटी एट सी एंड पार्टिकल टेक्स टाइम टी वन फ्रॉम ए टू सी। पार्टिकल ए से सी तक जाने में समय टी वन लगता है। एक तो गति की तीसरी समीकरण लगाइएगा v² = u² + 2gh, और एक लगा दीजिएगा h = ut + ½gt². तो ये तो bc स्क्वायर हो जाएगा, प्रारंभिक जीरो हो जाएगा 2gh, चली गई दूरी 2a हो जाएगी, यहाँ भी 2a हो जाएगा, जीरो हो जाएगा प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर bc आप देखते हैं तो ये 2√ag हो जाएगा, और यहाँ से टी वन अगर देखें तो 2 × 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√a/g। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक जैसे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, भाई इसमें डिस्टेंस और टाइम मुझे दोनों चाहिए। तो देखिएगा बीसी तैयार रखिएगा यहाँ पर, ये मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, कहीं मैं भूल जाऊँ इसे, बैडमिंटन मिल जाए मेरी, बाद में जरूरत पड़ेगी। अब सी से नीचे जब पार्टिकल आएगा तो धागा टाइट हो जाएगा और मोशन जो है SHM हो जाएगी, बैंड द पार्टिकल स्ट्रिंग जो है मेरी टाइट हो जाती है, SHM जो है वो गति में आ जाती है। लेट पी पर आ जाइएगा, लेट पी बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, पी बिंदु पर टाइम टी पर ले लीजिए। द इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, तो ये ले लीजिएगा md2x/dt² एक्स मैंने नीचे को नापा है, तो टेंशन है ये दिखाने से mg प्लस लीजिएगा, mg माइनस t मेरे लैम्डा डाल दीजिएगा, लंबाई में वृद्धि। आप कहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, पी पर, ओरिजिनल तो यहाँ तक है ना, इतनी बढ़ चुकी है आपकी, ये लंबाई में वृद्धि a/2 और प्लस x हो जाती है, a/2 प्लस x और अपॉन ओरिजिनल हो जाता है। ये थोड़ी सी खाली जगह भी मैं यूज कर देता हूँ, तो चूंकि λ = 2mg है, तो ये हो जाता है md2x/dt² हो जाएगा, d = mg हो जाएगा, माइनस लैम्डा की वैल्यू 2mg हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस x/a। यहाँ देखिएगा m कैंसिल हो जाता है, ये m है, ये m है, ये m है, तो d2x/dt² = यहाँ g माइनस, 2 से 2 कटेगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2gx/a हो जाता है, तो d2x/dt² = -2g
अपॉन ए एक्स। अब किसी भी क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस समय क्या आना होता है, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस का जी आता है, ऊपर एक्स आता है और बटे में आता है द्रव्यमान लटकाने पर होने वाली लंबाई में वृद्धि। ये इक्वेशन हमारी कोई नहीं बदल सकता, ये फिक्स है हमारी। अब मैं वेलोसिटी निकालने की तैयारी में हूँ क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, और इसे लिख दीजिएगा डी डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस का टू जी अपॉन एम टू एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, दो हटा दूंगा मैं, बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा माइनस टू जी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, इक्वेशन नंबर वन। अभी इक्वेशन नंबर वन मेरे पास आ चुकी है, वेलोसिटी आ रही है मेरे पास। अब मैं एस एच एम में एंटर करने जा रहा हूँ, अब मुझे जरूरत है सी वन की। फिर मैं वही कहने जाऊंगा, जब आप कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स की वैल्यू रखने जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा ओरिजिन किधर है। एक्स मैंने नीचे को नापा है तो नीचे तो पॉजिटिव डायरेक्शन चलेगी, और ऊपर है जो है वो निगेटिव डायरेक्शन चलेगी। अब बी स्क्वायर इजिकल टू माइनस टू जी अपॉन ए एक्स स्क्वायर हो जाता है। आप आ जाइएगा एफ बिंदु, इस पर चलते हैं सी पर। एक्स की वैल्यू देखिएगा डायग्राम से, माइनस ए बाई टू हो जाएगी, और बी इजिकल टू हमने बी सी निकाला था यहाँ, ये हो जाएगा टू अंडर रूट ए जी। अब ये रख दीजिएगा बाई इक्वेशन वन, बी स्क्वायर की वैल्यू ये फोर ए जी हो जाती है, और ये हो जाता है माइनस टू जी अपॉन ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू में ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी वन हो जाएगा, तो सी वन इजिकल टू फोर ए जी हो जाएगा, माइनस एक ए से ए कटेगा, दो दूनी चार हो जाएगा ए जी बाई टू, ये प्लस हो जाएगा तो चार दूनी आठ, तो ये हो जाता है नाइन ए जी अपॉन फोर, पुट इन इक्वेशन वन। इसे इक्वेशन नंबर वन में डाल दीजिएगा। अब यहाँ तक तो आपने देख ही होंगे कि सारे क्वेश्चन एक दूसरे की नकल हो रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है आपकी 9 ए जी अपॉन 2 आ चुकी है, यहाँ पर 9 ए जी अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा। इक्वेशन नंबर 1 आप इसे ऐसे कर लीजिएगा, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 जी अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस सी वन की वैल्यू आ जाएगा आपका 9 ए जी अपॉन 2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिएगा, 2g अपॉन ए अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से g तो बाहर चला जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा मैं अंडर रूट लेने की तैयारी में हूँ, अब मैं अंडर रूट लेने की तैयारी में हूँ। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो पार्टिकल मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, वो x की बढ़ती दिशा में है, तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू अंडर रूट 2g अपॉन a, और ये अंडर रूट हो जाएगा 9 ए स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए अपॉन 2 जी हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 9 ए स्क्वायर बाई 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब टाइम लेने जा रहा हूँ मैं अभी, हाँ सॉरी, इक्वेशन नंबर 2। अभी मुझे ये नहीं पता है कि पार्टिकल नीचे कहाँ तक जाएगा, ये वेलोसिटी उठा लेता हूँ मैं। ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 हो जाती है, ये 2 हो जाती है, और ये इक्वेशन नंबर मेरी 3 हो जाती है। अब मुझे ये पता करना है कि पार्टिकल नीचे कहाँ तक जाएगा, पार्टिकल वहाँ तक जाएगा नीचे जहाँ पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डायग्राम का कोऑर्डिनेट पॉइंट बी है मेरा, ये लेट द पार्टिकल मूव अप टू बी सच दैट, और डायग्राम का कोऑर्डिनेट डी वी इक्वल टू मैंने स्मॉल के सी माना है, पार्टिकल मूव अप टू बी, बी तक जा रहा है, तो एट बी पर जब जाएंगे तो वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगी, और एक्स इक्वल टू कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा सी। भाई इक्वेशन टू में जब ये वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बाई 4, तो सी इक्वल टू आ जाएगा 3 ए बाई 2। डायग्राम में देख लीजिएगा, ओ सी लेंगे आप, कोई सी डी लेंगे, फिर आप डी बी लेंगे।
अब इसी डायग्राम से ए है प्लस ए बाई टू है, सी है, तो ये ए प्लस ए बाई टू प्लस थ्री ए बाई टू, तो ये हो जाते हैं थ्री ए। ये आपका प्रूव हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब इक्वेशन नंबर थ्री से लेकर के मैं टाइम निकालने जा रहा हूँ, मेरा लास्ट स्टेप पूरा होने जा रहा है। ब्लैक पार्टिकल टेक टाइम टी टू फ्रॉम, ये एसएचएम से आई है, तो इस एसएचएम वाली समीकरण को आप तभी यूज सकते हैं जब तक धागा टाइट हो। अब डायग्राम आ जाइएगा, सी से नीचे धागा टाइट है तो आपको जाना है सी से डी तक, फ्रॉम सी टू डी। अब इधर आ जाइएगा तो इधर तो इंटीग्रेशन जीरो से टी टू डी टी डाल दीजिएगा, अब इधर हो जाता है अंडर रूट ए अपॉन टू जी हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइन ए स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डायग्राम के हिसाब से कोऑर्डिनेट देख लेना, सी से बी जा रहा है, सी इनिशियल लिमिट देगा, डायग्राम में सी देखिएगा ये दूरी ए बाई टू है, ऊपर पड़ती है तो लोअर लिमिट आपकी माइनस का ए बाई टू हो जाएगी, अपर लिमिट देखिएगा यहाँ तक आप आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है और सी की वैल्यू अभी आपने निकाली थी थ्री ए बाई टू, तो यहाँ सी इक्वल टू लिमिट हो जाती है थ्री ए बाई टू। अब टी टू आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ से टी टू इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ए अपॉन टू जी हो जाएगा और साइन इनवर्स एक्स के नीचे ये हो जाएगा थ्री ए बाई टू हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी माइनस ए बाई टू से थ्री ए बाई टू, तो टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन टू जी हो जाता है साइन इनवर्स, वन की वैल्यू तो यहाँ पाई बाई टू हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स, जब एक्स की जगह ए बाई टू रखेंगे तो ये वन बाई थ्री आ जाएगा, पाई बाई टू और माइनस का साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो तैयार हो चुकी है पाई बाई टू। एक चीज और रह गई है यहाँ से, साइन इनवर्स के आगे का माइनस और रह गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, टी टू इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन टू जी, ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री। अब साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री को बदलने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो हमें दे रखा है वो यही आंसर जो है वो साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री में दे रखा है। अब उसमें कब चाहे आल्सो कैलकुलेट टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने का टाइम निकालना है, ए से लेकर के बी तक आना है, ए से सी तक का टाइम टी वन था और ये टी टू है, अब ये ले लेते हैं टाइम टेकन बाई पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। अब टी वन प्लस टी टू दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा और उन्हें ऐड कर दीजिएगा और आपका जो रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा आठवां क्वेश्चन, ए हैवी पार्टिकल इज अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिव स्ट्रिंग ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट, पार्टिकल को स्थिर बिंदु से बांधा गया है, फ्रॉम दिस द पार्टिकल इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, और ध्यान रखना जिस बिंदु से पार्टिकल को बांधा गया है उसी बिंदु से पार्टिकल को फ्रीली गिराया जाएगा। अब ऐसे समझ लीजिएगा, फिर मैं तीन डायग्राम बनाता हूँ, ये ओ है, ये ए है, ये मेरी नेचुरल लेंथ ए हो जाएगी, इसमें पार्टिकल बांधता हूँ ओ ए और ये मेरा पॉइंट बी हो जाता है, ये एक्सटेंशन में बी मान लूंगा, यहाँ पर एम जी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी नॉट, ऐसा पार्टिकल इज इन इट्स अफीयर बोथ कहता है पार्टिकल को ओ से गिराया जाता है, जिस बिंदु से आपने बांध रखा है वहां से पार्टिकल गिराना है, वेन द पार्टिकल इज इन इट्स लोएस्ट पोजिशन द स्ट्रिंग इज ट्वाइस ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ, जब पार्टिकल अपने सबसे नीचे वाली स्थिति में होता है तो उस समय वो कहता है द स्ट्रिंग इज ट्वाइस इट्स नेचुरल लेंथ, जो स्ट्रिंग है वो अपनी नेचुरल लंबाई की डबल हो जाती है। अब यहाँ जाइएगा, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, मान लीजिए लोएस्ट पॉइंट है आपका सी, अब वो बुक वाला हमसे कह रहा है कि लंबाई टू ए हो जाती है, तो इसका मतलब ये ए है, यहाँ से यहाँ तक बी अगर पूरी लंबाई टू ए हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी ए बचेगी और यहाँ से यहाँ तक की हमारी बचेगी ए माइनस बी। अब बी को तो मैं ओरिजिन की तरह से ट्रीट करूंगा और कैलकुलेशन करने के लिए बिंदु पी पर आऊंगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, ये एम जी हो जाएगा, ये मेरा टी हो जाएगा। फिर वो कहता है प्रूव दैट द मॉडुलस इज फोर टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल,
जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो पार्टिकल के भार का 4 गुना है। तो पहला सवाल इसमें लैम्डा नहीं मिला हुआ है, लैम्डा ज्ञात करना है एंड फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द स्ट्रिंग इज एक्सटेंडेड, और वो समय भी ज्ञात कीजिए जितने समय तक स्ट्रिंग जो है एक्सटेंडेड रहती है, बढ़ी हुई रहती है, अपनी लंबाई से ज़्यादा रहती है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आप ए से जब सी तक जाएंगे तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंडेड रहेगी, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, अपनी नेचुरल लंबाई से परे। अब देखिएगा ये थोड़ी सी थ्योरी ऐसी की वैसी हो जाएगी, ये ऐसी की ऐसी हो जाएगी, यानी कि आप पहले थ्योरी लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम एम जी, एम जी इक्वल टू बी नॉट हो जाएगा, तो एम जी इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब पार्टिकल को मैं ओ से छोड़ता हूँ, द पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम ओ एंड मूव, अब मुझे टाइम नहीं चाहिए इस बार, मूव अंडर ग्रेविटी अप टू ए फ्रॉम जी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो इसे मैं बी ए स्क्वायर कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ 2ga, तो यहाँ से बी ए की वैल्यू मुझे 2√2ag मिल जाती है। ये मेरा वेग आ चुका है, ये मेरा वेग तब काम आएगा जब इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट निकालने आऊँगा। अब नीचे चलते हैं पार्टिकल में, व्हेन द पार्टिकल मूव डाउनवर्ड फ्रॉम ए कॉमा स्ट्रिंग बिकम्स टाइट एंड SHM प्ले इन मोशन, अब स्टिक जो टाइट हो जाती है और SHM जो है वो गति में आनी शुरू हो जाती है। द इक्वेशन ऑफ मोशन एट टी एम जी को एस अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा एम जी माइनस टी, ये देखिएगा किसी भी सवाल में कोई चीज नहीं बदल रही है, एम जी माइनस टी के लिए लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक लंबाई में वृद्धि बी प्लस एक्स अपॉन ओरिजिनल ए, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस लैम्डा बी अपॉन ए माइनस लैम्डा एक्स अपॉन ए। अब यहाँ से देखिएगा एम जी इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन ए है, ये दोनों टर्म कट जाएंगी बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से अब हमारा हो जाता है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एक्स, ये दोनों टर्म तो आपस में कट जाती है। और एक काम और करिएगा, यहाँ देखिएगा लैम्डा अपॉन क्या पड़ा है ए, तो इसे भी चेंज कर दीजिएगा, माइनस लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू एम जी अपॉन बी इंटू एक्स हो जाएगी, एम से एम कैंसिल, देखिएगा फिर मेरा वही नियम लग गया, बटे में लंबाई में वृद्धि आ रही है, तो ये हो जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी इंटू एक्स, चेंज कर दीजिएगा बी डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी डी बी अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेटिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, कॉन्स्टेंट सी वन निकालने चलिएगा एट। अब आप जाने वाले हैं ए पर, बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आया था आपका डबल टू ए जी आया था, और एक्स इस बार मेरे पास नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास नहीं है, एक्स की वैल्यू माइनस के बी हो जाएगी बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जब आप जाते हैं तो ये 2ag हो जाता है और यहाँ हो जाता है माइनस जी, एक्स की वैल्यू में बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस जी बी प्लस सी वन, तो सी वन इज इक्वल टू आ जाता है 2ag माइनस का जी बी, ये सी वन की वैल्यू आ चुकी है। इक्वेशन में नंबर मेरे गड़बड़ हो रहे हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, पुटिंग इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिएगा, तो ये आ जाता है मेरा बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन बी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ag माइनस का जी बी आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिएगा, तो जी अपॉन बी आप कॉमन ले लेते हैं
जी तो सब में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाता है 2a आ जाएगा माइनस का b आ जाएगा, और b मल्टीप्लाई में है 2a और 2ag आ जाता है b स्क्वायर में, 2ag आ जाता है। अब यहाँ बल्कि ऐसे कर लेते हैं b स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये b स्क्वायर आ जाता है और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरा पार्टिकल जो है वो बिंदु C तक पहुंचता है, जिसकी B से दूरी अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे तो ये माइनस B आएगी, तो इससे नीचे पार्टिकल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आकर के वेग जो है आप जीरो कर दीजिएगा। लेट द पार्टिकल मूव अप टू C, देन एट C x इज इक्वल टू, तो a माइनस बी लेंगे और b इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से जब आप जाते हैं तो b स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है, माइनस का g, x की वैल्यू आप माइनस का g अपॉन b ले लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ag माइनस gb। जी इधर भी है, जी इधर भी है, जी इधर भी है, ये माइनस की टर्म है, ये माइनस जी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में बी हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2a, ये आ जाता है ए स्क्वायर आ जाता है, प्लस का बी स्क्वायर आ जाता है, माइनस का 2ab आ जाता है, प्लस का बी स्क्वायर आ जाता है, इधर भी 2ab आ जाता है। यहाँ पर बी स्क्वायर और इसके साइन मेरे इस तरह से थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर जो है आपस में कटना चाहिए था, जो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ही आपस में कटना चाहिए था। देखिएगा ये गलती है, सी वन की वैल्यू में देखिएगा माइनस का जी भी इधर प्लस आएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, इधर माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 4ab, b इक्वल टू a बाय 4। आप देखिएगा b इक्वल टू a बाय 4 आ गया है, पुटिंग इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, उसमें था mg इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा था इनटू b अपॉन a, तो ये a अपॉन 4 अपॉन a, a से कैंसिल हो जाता है, लैम्डा इक्वल टू 4mg प्रो। इस प्रकार से हमारा प्रूव हो जाता है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 4mg है, अर्थात जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो पार्टिकल का भार का 4 गुना है। अब एक वैल्यू यहाँ से प्रूव हो जाती है, अब मैं देख लेता हूँ क्या क्या चीज मेरे से और पूछी थी। प्रूव दैट द मॉडुलस इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ द पार्टिकल प्रूव हो चुका है, एंड फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द स्टिंग इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ, और वो टाइम निकालना है जिससे आगे जो है स्टिंग खींची रहती है, यानी कि SHM का टाइम निकालना है जितनी देर तक इसकी खींची रहेगी। अब बी की वैल्यू तो मेरे पास देखिएगा आ ही चुकी है, बी की वैल्यू ए बाई 4 है, इक्वेशन नंबर 3 में चलेगा, पुट बी इक्वल टू ए बाई 4 इन इक्वेशन 3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जी अपॉन बी, सॉरी बी की वैल्यू ए बाई 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, जी आ जाएगा अपॉन ए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 2ag आ जाएगा प्लस, और b की वैल्यू यहाँ a by 4 है, तो ये हो जाएगा ag upon 4। अब b स्क्वायर को मैं तोड़ देता हूँ, dx upon dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4g upon a x स्क्वायर प्लस 4 गुणी 8 अरे 9, 9ag upon 4, x स्क्वायर को प्लस छोड़ दीजिएगा, 4g upon a मान ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4×16 9a² / 16 माइनस के x स्क्वायर। पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो अंडर रूट के साथ पॉजिटिव लगा लो, dx/dt इक्वल टू 2 अंडर रूट g/a हो जाएगा, अंडर रूट 9a² / 16 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, dt इक्वल टू 1/2 अंडर रूट a/g dx/√ 9a² / 16 माइनस x स्क्वायर।
अब मुझे उतनी देर का टाइम निकालना है जितनी देर तक मेरा धागा जो है वो टाइट रहता है, यानी कि अपनी नेचुरल लेंथ से ज्यादा रहता है। ए तक मेरी नेचुरल लेंथ है, ये देखिए ना, ए से आगे सी तक आ जाइएगा, टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी, इधर टी कह दीजिएगा, एक बटे दो हो जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन जी हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट नाइन ए स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, ए से सी, लिमिट देखने चलो, कोऑर्डिनेट से देखना, ए पर देखो ये ओरिजिन है, ऊपर जाएंगे तो माइनस का बी, और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ ए माइनस बी, ये प्लस का हो जाएगा ए माइनस बी। अब चूंकि बी इक्वल टू आपका ए बाई फोर है तो बी इक्वल टू हो जाता है वन अपॉन टू आ जाएगा, नो ए अपॉन जी आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन आ जाएगा थ्री ए बाई फोर, नीचे वाली लिमिट में देख लीजिएगा माइनस का ए बाई फोर आ जाएगा, ऊपर वाली लिमिट में देख लीजिएगा ए माइनस बी है, बी की वैल्यू ए बाई फोर है तो ये थ्री ए बाई फोर आता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आप एस एच एम का टाइम पे जब एस एच एम का टाइम निकालने जाते हैं ना तो पाई बाई टू जरूर आता है। ये असल में पाई बाई टू आने का कारण होता है ये आवर्त काल का ना एक बटे चार टाइम इसमें इंक्लूड होता है। अब जो हमारी दूसरा आंसर है उसमें कॉस इनवर्स दे रखा है, आप साइन इनवर्स को तोड़ देते हैं, वन अपॉन टू अंडर रूट ए अपॉन जी पाई बाई टू प्लस, इसे तोड़ देंगे पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन थ्री, तो टी इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट ए अपॉन जी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक बटे तीन। ये हमारी वैल्यू हमारी आ चुकी है पाई बाई टू माइनस ए अपॉन थ्री रूट, और इस तरह से जो टाइम है वो हमारा कंप्लीट पूरा जो टाइम है जितनी देर तक जो धागा है वो हमारा टाइट रहता है, यानी कि जितना नीचे आने तक उसे टाइम लगता है, बीऑक्सिडेंट नेचुरल है, तब तक जो है हमारा टाइम जो है वो आ चुका है, ये प्रूव हो गया है। देखिए एक ही वीडियो में दो या तीन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लेंथी है। अब ये मान करके चलिएगा एक या दो, मतलब मैक्सिमम दो वीडियो इसकी बनेगी और ये चैप्टर जो है हमारा एस एच एम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम डायनेमिक छोड़ करके एक महीना जो है दिसंबर का पूरा स्टैटिक्स को देंगे, एक या सवा महीना स्टैटिक्स को देंगे, और फिर हमारा जो है ये थर्ड पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।